आप सभी प्रिय दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग करिए और जीवन को निरोगी बनाइए, अपने घर में करिए, अपने घर के आसपास के गार्डन में करिए, जहां मौका मिले वहां करिए। क्योंकि ये जो शरीर है, अगर ये अच्छा है तो आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। अगर शरीर खराब है तो जीवन का कोई सुख आपका सुख नहीं है। तो योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मेशु कौशलम। जो व्यक्ति योग करता है उसके कर्म सुधरते हैं। और आपका कर्म क्या है? किसी का कर्म है पढ़ना, किसी का कर्म है घर संभालना, किसी का कर्म है नौकरी करना, व्यवसाय करना, किसी का कर्म है पढ़ाना, किसी का कर्म है चीजों का विस्तार करना। तो जो भी आपका कर्म है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जब आप योग करेंगे तो उससे वो और अच्छा होगा। सूर्य नमस्कार करिए, शरीर का एक एक अंग सूर्य नमस्कार के करने से आपका एनर्जी से भर जाएगा। प्राणायाम करिए, शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और योग करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपकी सोच अच्छी हो जाती है। आपका जो लक्ष्य बिगड़ा हुआ है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आप सही सोच सकते हैं। जो सही सोच सकता है वो सही कर भी सकता है। तो योग के अनेक फायदे हैं, अनेक लाभ हैं, इनको जरूर करिए। योग खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, किसी गुरु के सानिध्य में योग करिए ताकि गलत ना करें। सीख कर करिए तो सही करेंगे, अपनी मन मर्जी से गलत करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, नुकसान भी हो सकता है। तो किसी गुरु के, किसी टीचर के संपर्क में रहकर सही योग को सीखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। ये मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की। नमस्कार।